हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं औरंगाबाद लवर्स यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने कॉलोनी की ब्रीडिंग अपडेट दूंगा कि मेरी कॉलोनी में जो है वो फर्स्ट क्लच की जो है क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है, चिक्स जो है वो किस तरीके से जो है ग्रो कर रहे हैं। तो सारी मटकियों में मैं आपको दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, काइंडली आप मेरे इस चैनल औरंगाबाद लवर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, ताकि वो मेरी न्यू वीडियो से जो है वो अपडेट ले सकें और जितनी भी मैं न्यू वीडियो डालूँ बजीज के बारे में वो उन्हें बर वक्त मिल जाया करे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी कॉलोनी की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्रेस। तो दोस्तों, इस मटकी में आप देख सकते हैं कि एक येलो कलर की फ़ीमेल जो है वो बैठी हुई है और इसके साथ जो है वो चार बच्चे हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चारों बच्चों की ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से हो रही है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक बड़े बच्चे का कलर जो है वो काफ़ी खूबसूरत है और बाकी बच्चों की भी जो हेल्थ है वो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगली मटकी। तो फ्रेंड्स, इस मटकी में आप देख सकते हैं कि दो बच्चे इस मटकी में आपको नज़र आ रहे होंगे और दोनों की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी है। फीमेल जो है वो अच्छी तरीके से बच्चों को फीड करवा रही है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगली मटकी की तरफ। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, इस मटकी में भी आप देख सकते हैं कि इस मटकी में चार बच्चे हैं माशाल्लाह से, और चारों बच्चों की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी है और माशाल्लाह से फीमेल इन्हें अच्छी तरीके से जो है वो पाल रही है। एक बच्चा कोने में भी आपको नज़र आ रहा होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू बजी की फ़ीमेल रहती है जो कि अभी मटकी से बाहर है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगली मटकी की तरफ। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक मादा यहाँ से उड़ गई है अभी, इस मटकी की यह मादा है। तो इस मटकी में देखते हैं कि इसने क्या प्रोग्रेस की हुई है। माशाल्लाह फ्रेंड्स, इस मटकी में आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः बच्चे हैं माशाल्लाह से इस मटकी में। फ्रेंड्स, ये काफ़ी हाइट पर है ये मटकी, तो इसमें थोड़ी परेशानी भी हो रही है दिखाने में। छः बच्चे हैं फ्रेंड्स इस मटकी में माशाल्लाह से, और फीमेल जो है वो अभी आपने देखा कि उड़ गई बाहर की तरफ, कॉलोनी के में गई है फीमेल। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगली मटकी की तरफ। ये मटकी फ्रेंड्स खाली आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स उसी मटकी को दिखाऊं जिसमें जो है बच्चे और अंडे वगैरह मौजूद हैं। तो चलते हैं अगली मटकी की तरफ। इस मटकी में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक फ़ीमेल जो है इसमें रहती है ग्रीन कलर की, और एक बच्चा भी जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का जिससे ब्लैक डॉट्स आए हुए हैं पर परों पर, उसी कलर की वो फ़ीमेल है। आपने इससे पहले भी देखी होगी, इस फीमेल को देखा होगा। तो यहाँ पर छः बच्चे हैं और माशाल्लाह से सारे बच्चे सेट हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स ये थोड़ी प्लकिंग कर रही है अपने बच्चों की, लेकिन इतनी भी नहीं कर रही है, नॉर्मल है सारे बच्चे, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। आगे मैं ऐसे देख लूँगा अगले क्लच में कि ये किस तरीके से बच्चों को पालती है। अभी ये देखना है फ्रेंड्स कि ये बच्चों को किस तरीके से निकालती है, सारे बच्चे सुकून से बाहर आ जाते हैं या फ्रेंड्स थोड़ी बहुत प्लकिंग अगर इशू आए तो वो कोई मसला नहीं होता, इतना ज़्यादा इशू ना है प्लकिंग में कि पूरा ही बच्चे को गंजा कर दिया तो ये थोड़ा मसला हो जाता है। फ्रेंड्स, चलते हैं अगली मटकी की तरफ। इस मटकी में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ब्लू बजरी की एक फ़ीमेल बैठी हुई है माशाल्लाह से, और आई थिंक इसने कुछ एग्स दिए हुए थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड, मटकी काफ़ी हाइट पर, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चार अंडा इसने दिया हुआ है और इसने फर्स्ट ब्रीड की थी, एक बच्चा निकाला था जो कि इसने मार दिया था। तो तीन अंडे सिर्फ दिए थे इसने फर्स्ट ब्रीड में, फ्रेंड्स होता है ऐसा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इसने चार अंडे दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगली मटकी की तरफ। इस मटकी में फ्रेंड्स चार बच्चे थे, तो फ्रेंड्स इस मटकी में जो फीमेल थी उसने जो है वो
बच्चों की प्लकिंग शुरू कर दी थी, तो मैंने इसके बच्चों को दूसरी मटकियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे अभी अंडा आ जाएगा एक हफ्ते के अंदर अंदर। फ्रेंड चलते अगली मटकी की तरफ। इस मटकी में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 3, 4 और 1 5 बच्चे हैं फ्रेंड्स मटकी में। और अब तक तो फ्रेंड्स सबकी हेल्थ अच्छी आ रही है, बच्चों को प्लगिंग भी नहीं कर रही है फीमेल, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो सब सेट है। लेकिन देखना ये होगा कि बच्चे एंड तक किस तरीके के निकलते हैं, और बच्चों की कहीं प्लगिंग वगैरह तो नहीं करेगी फीमेल इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। फ्रेंड्स यहाँ पे 5 बच्चे मौजूद हैं। फ्रेंड्स चलते हैं अगली मटकी की तरफ। ये मटकी खाली है। इस मटकी में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह 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 फ्रेंड्स आप बच्चों की हेल्थ देख सकते हैं। इस मटकी में 5 बच्चे हैं टोटल, और 5ों बच्चों की हेल्थ आपके सामने माशाल्लाह से किस तरीके से ये फीमेल पाल रही है। इसकी फ़र्स्ट ब्रीड है फ्रेंड्स। ऐसा होता है कि मादा जो होती है वो कोई मादा फर्स्ट ब्रीड में भी बहुत अच्छे बच्चे पाल लेती है, और कोई मादा जो होती है वो अनफर्टाइल कर देती है या बच्चों को मार देती है। फ्रेंड्स ऐसा होता है, आपने मेरी कॉलोनी में भी जैसे देखा कि कुछ बच्चे मर गए और कुछ बच्चों को किसी फीमेल ने अनफर्टाइल कर दिया अंडों को, और किसी ने बहुत अच्छा पाला है आप देख सकते हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह फ्रेंड्स ज़रूर बोलिएगा। तो फ्रेंड चलते हैं अगली मटकी की तरफ और देखते हैं कि क्या मौजूद है। ये मटकी खाली है माशाल्लाह फ्रेंड्स। इस मटकी में आप देख सकते हैं फ़ीमेल बाहर निकली हुई है, और यहाँ पर 2 बच्चे माशाल्लाह से मौजूद हैं आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब कोई दोस्त ये ना समझे कि ये नंबरिंग नहीं की हुई है इसने मटकियों में, और ये बार बार एक मटकी को दिखा रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो पाउस नहीं है, वैसे मैं एडिटिंग करता हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि मैंने किसी भी मटकी को रिपीट नहीं किया होगा। अब दूसरी साइड पर अब हम आए हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। ये मटकी फ्रेंड्स खाली है, और इस मटकी में माशाल्लाह से एक फ़ीमेल बैठी हुई है, और इसने 4 अंडे दिए हुए हैं आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर एक फ़ीमेल येलो कलर की रहती है, ये भी हाइट पर है काफ़ी मटकी, और माशाल्लाह से 4 बच्चे यहाँ पर हैं, और माशाल्लाह से बच्चे सही हैं। देखना ये होगा कि आप बड़े हो के ये कैसे क्या किस तरीके का कलर आता है। मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स इंशाल्लाह ये फ़ीमेल जो है वो प्लकिंग नहीं करेगी, क्योंकि ये भी काफ़ी हेल्थी फ़ीमेल है। मुझे उम्मीद है कि ये प्लकिंग इंशाल्लाह ताला नहीं करेगी। तो फ्रेंड चलते अगली मटकी की तरफ। मटकी खाली है फ्रेंड्स। ये वाली जो फ़ीमेल है इसको मैं हटा दूंगा अपने सेटअप से, क्योंकि इसने फर्स्ट ब्रीड की थी और अंडों को ख़राब कर दिया, और अब तक इसने अंडे नहीं दिए। मुझे लगता है कि ये फ़ीमेल जो है वो चर्बी में आ गई है, तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए इस फीमेल को जो है हम अपने सेटअप से हटा देंगे। इस मटकी में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 4 बच्चे मौजूद हैं, और 4ों की हेल्थ जो है वो आपके सामने है माशाल्लाह से। एक बच्चा कोने में भी आप देख सकते हैं, मुझे देखने में थोड़ी परेशानी हो रही है आपको, लेकिन नज़र आ रहा होगा 4 बच्चे इस मटकी में हैं, और माशाल्लाह से 4ों की हेल्थ आपके सामने है। तो फ्रेंड्स इस साइड पर यहाँ पर एक फ़ीमेल माशाल्लाह फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2, 4, 5 बच्चे फ्रेंड मौजूद हैं यहाँ पर, और माशाल्लाह से फ़ीमेल जो है वो अच्छे तरीके से बच्चों को फीट करवा रही है। रेनबो की ये फ़ीमेल है, क्लियर विंग के आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी फ़ीमेल है फ्रेंड्स, और ये 5 बच्चों को यहाँ पर पाल रही है। तो फ्रेंड इस साइड की जो है सारी मटकियाँ हो चुकी हैं, अब हम चलते हैं दूसरी साइड की तरफ। तो इस साइड पर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आई थिंक 3 बच्चे नज़र आ रहे हैं, और एक फ़ीमेल, यहाँ पे 2 फ़ीमेल हैं, लेकिन फ़ीमेल ने जो है वो यहाँ पर 2 फ़ीमेलें रहती हैं, लेकिन इसमें इन्होंने काफ़ी अंडे अनफर्टाइल कर दिए, डेड इन शेल कर दिए, और 3 बच्चों को बचाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 बच्चे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सही पल रहे हैं, और इंशाल्लाह जो है वो अच्छी तरीके से ये बाहर भी आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगली मटकी की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं फ्रेंड, रेड आइस की ये फीमेल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों को अच्छी तरीके से पाल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एक बच्चा बड़ा हो चुका है और एक बच्चा थोड़ा सा छोटा है। तो इस साइड की सारी मिट्टियाँ हो गई दूसरी साइड, और इस साइड पर अगर हम आते हैं तो ये साइड पर जो है वो यहाँ पर इस फीमेल ने अल्हम्दुलिल्लाह क्रीमिनो की ये फीमेल है फ्रेंड्स, एग्स दिए हुए हैं। मैं नहीं चाहूँगा फ्रेंड्स क्योंकि इससे पिछले बार जो अंडे ख़राब कर दिए तो मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। दोस्त बोलते हैं काफ़ी दोस्त के भाई ये आप अगर नहीं डिस्टर्ब करना चाहते तो वीडियो क्यों बना दो फ्रेंड्स। एग्स पर मैं आप किसी से भी पूछ लें, एग्स पर जो है वो पेयर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए फीमेल को, फिर वो हेजिटेशन का शिकार होती है, परेशान हो जाती है तो फिर अंडों को बाहर फेंक देती है, ख़ास तौर पर कॉलोनी में। यहाँ पर दो बच्चे हैं और सही हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दो बच्चों को आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो दो बच्चे पल रहे हैं आप देख सकते हैं। इस मटकी में भी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स दो बच्चे पल रहे हैं और इनकी हेल्थ आप देख सकते हैं, और दो अंडा आई थिंक वो ख़राब हो चुका है। इस मटकी में भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से टोटल पांच बच्चे हैं, और आप माशाल्लाह से बच्चों की हेल्थ देख सकते हैं किस तरीके की बच्चों की हेल्थ है, और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे हैं और फीमेल इनको जो है वो अच्छी तरीके से पाल रही है। तो फ्रेंड्स अब कुछ ही मटकियाँ बाकी हैं, उसके बाद ये वीडियो भी एंड होने वाली है, और मटकी फ्रेंड्स खाली है। ये इस मटकी में फ्रेंड माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि एक दो तीन छः बच्चे फ्रेंड इस मटकी में मौजूद हैं, उनकी आप हेल्थ देख सकते हैं माशाल्लाह से, फीमेल बहुत अच्छी इसको यहाँ पर इन बच्चों को अच्छी तरीके से जो है वो पाल रही है। और लास्ट एंड फाइनल मटकी फ्रेंड्स काफ़ी हाइट पर है और मुझे परेशानी होगी, और आप यहाँ पर भी प्रोग्रेस देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर भी पांच बच्चे जो है वो पल रहे हैं फ्रेंड्स, एक दो एक पीछे बच्चा और दो ये बच्चे आगे, एक कोने में बच्चा छुपा हुआ आई थिंक, बल्कि नहीं फ्रेंड हाँ तीन और दो पांच बच्चे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी फीमेल और बहुत अच्छे से बच्चों को जो ये फिट करवाती है। और स्पेंगल बच्चे भी फ्रेंड्स आपको नज़र आ रहा होगा, एक बच्चा बड़ा स्पेंगल बच्चा है वो। तो फ्रेंड्स ओवरऑल आपने ये प्रोग्रेस देखी, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्रेस पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो है वो पसंद आई होगी, और मज़ीद इसी तरीके की कॉलोनी ब्रीडिंग अपडेट देखने के लिए और केजेस में जो मेरी ब्रीड चल रही है 25 पेट्स की, उसको देखने के लिए काइंडली आप मेरे इस चैनल ऑर्गी बर्ड लवर्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इसे लाइक किया करिए और मुझे मोटिवेट किया करिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो जो है आपके लिए बनाता रहूँ और इसी तरीके से आप तक ये वीडियो पहुँचती रहे। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।